तो दोस्तों, आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है फ्रांस के ऊपर और किस प्रकार से फ्रांस तकनीक होते हुए भी भारत को अपनी तकनीक नहीं देना चाहता है, इसके बारे में आज खुद भारत के वैज्ञानिकों ने ही जानकारी दी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौता है जिसके तहत भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन मिलनी है और इसमें फ्रांस की कंपनी जो नेवल ग्रुप है वो भारत की मजगांव डॉक शिप लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है। परंतु भारत की जो कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर, उसके जो प्रमुख हैं नारायण प्रसाद जी, उनकी तरफ से ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि हम फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर भारत के लिए 6वीं स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उसका निर्माण करने जा रहे हैं। परंतु इसके बाद में जो उन्होंने खुलासा किया है उसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाओगे। और उन्होंने बताया कि भले ही फ्रांस और हमारे बीच में पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता हुआ है, परंतु जो फ्रांस की कंपनी है नेवल ग्रुप, उसके पास तकनीक होते हुए भी वो हमारे साथ तकनीक साझा करने को तैयार नहीं है। और जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनी है उनमें से 4 सबमरीन को भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी ही तकनीक के माध्यम से बनाया है। इसमें फ्रांस की कंपनी जो नेवल ग्रुप है वो केवल देखते ही रही है और उसने तकनीक देने से भारत को साफ इनकार कर दिया है। और इसी के ऊपर मजगांव डॉक शिप लिमिटेड चाहती है कि भारत सरकार अब इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन ले ताकि भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं जैसे कि अपना DRDO हो गया और लालसंस और टर्बो नाम की कंपनी हो गई, इनको इजाजत दी जाए ताकि भारत का जो प्रोजेक्ट P-75I है उसके तहत भारत के वैज्ञानिक खुद की ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण कर सकें। और इसमें जो मजगांव डॉक शिप लिमिटेड है वो भारत के DRDO की तकनीक के साथ मिलाकर भारत की स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण करेगा, क्योंकि फ्रांस को यदि प्रोजेक्ट P-75I के तहत अपनी तकनीक भारत को देनी होती तो बहुत पहले दे चुका होता। और अभी जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हम बना रहे हैं उसमें भी नेवल ग्रुप के द्वारा तकनीकी रूप से भारत की सहायता नहीं करी जा रही है। और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप केवल एक दर्शक की भांति सारे कामकाज को देख रही है और भारत के वैज्ञानिक भारत की सबमरीन का निर्माण करते हैं। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत सरकार को अब भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दे देना चाहिए ताकि भारत के वैज्ञानिक खुद अपनी सबमरीन को बना सकें? कमेंट बॉक्स में। पीरावस्ती जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।